नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे और हमारी बात चल रही थी परीक्षा की तैयारी के लिए। ये परीक्षा की तैयारी यदि आप जो है YouTube पर कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं तब भी आपको बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हमारी बातचीत चल रही थी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, और यहाँ पर हम 3 अंक पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पहले भी देखे हुए थे और इन प्रश्नों के जो है हम लोगों ने अलग अलग तरीके से जवाब दिए, और अब जो है हमारा प्रश्न है 2022 में पूछा गया, और इस प्रश्न में जो है आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि एक्स किरणों का जो है कि खोज जो है किसने की थी। तो आपको बता दें कि ज़्यादातर जो है खोजें जो है 1895 और 1896 में जो है जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने की, ठीक है। तो 1895 में एक्स किरणों की खोज किसने की, एक्स रे और रे से जो है रोंटजन, तो एक्स रोंटजन इन्होंने जो है रोंटजन ने जो है एक्स किरणों की खोज की। अब इसके जो है क्या क्या उपयोग होते हैं, पहला ये दो गुण लिखिए, गुण और उपयोग। तो पहले जो है इसके जो है दो गुण बता देते हैं कि इसमें जो है ऊर्जा जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, ऊर्जा ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान जो है किरणें हैं, पहली बात है। और दूसरा इनकी विभेदन क्षमता जो है, विभेदन क्षमता वो भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और तीसरी बात जो है ये है कि एक्स किरणें जो है वो अपने आसपास के पदार्थों को आयनित कर देने की क्षमता रखते हैं। एक्स किरणें जो है क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा है इसलिए ये अपने आसपास के पदार्थों को आयनित कर देने की क्षमता रखते हैं। अब इसका उपयोग क्या क्या हो सकता है, तो पहला तो ये हो गया कि हड्डी के जो है फ्रैक्चर्स का जो है पता लगाने के लिए जो है हम एक्स किरणों का उपयोग करते हैं, और इसके अलावा एक्स किरणों का उपयोग जो है हम पदार्थों की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो इसके दो उपयोग हो गए। अब आगे पढ़ते हैं पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। तो पराबैंगनी किरणों की जो है वो खोज, ठीक है, जो पराबैंगनी किरणों की खोज भी रिचर ने की थी, रिचर या रिचर आप जो है कुछ भी बोल दें, तो रिचर ने जो है पराबैंगनी किरणों की खोज कब की थी, 1895 दोबारा। और इसमें जो है इसके दो गुण क्या हैं और दो महत्वपूर्ण उपयोग करें। तो पराबैंगनी किरणें जो है इसमें भी ऊर्जा अधिक होती है, ऊर्जा अधिक होती है किसके तुलना में, दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा अधिक होती है, और इसलिए जो है इनकी विभेदन क्षमता भी अधिक होती है, विभेदन क्षमता भी अधिक होती है, और ये पदार्थों को आयनित करने की भी क्षमता रखते हैं, आयनित करने की क्षमता रखते हैं। अब इनका क्या उपयोग है, तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग जो है पहली बात यह है बैक्टीरिया को मारने के लिए यूवी कैंट वाटर प्योरीफायर यहाँ पर उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है कि इसका पराबैंगनी किरणों का उपयोग पेंटिंग्स और नोटों की सत्यता का पता लगाने के लिए किया जाता है, और पराबैंगनी किरणों का जो है उपयोग अंधेरे में जो है कुछ विशेष प्रकार के जैसे बिच्छू जैसे कीड़े होते हैं उनको जो है देखने के लिए भी किया जाता है। तो हम लोगों ने 2022 का ये भी प्रश्न देखा। अगला प्रश्न देखिए कि गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो इनका जो है नाम कुछ थोड़ा सा बैक्विरल या बैकेरल आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो बैक्विरल ने जो है इसको 1896 में खोजा था। अब जो है गामा किरणों के दो गुण होते हैं, तो गामा किरणें जो है ये किसके का नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा जो है गामा किरणों को उत्पन्न किया जाता है, और इनमें जो है ऊर्जा का स्तर जो है ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, और इसके कारण इनकी विभेदन क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, ये इनके गुण हो गए। अब जो है नाभिकीय गामा किरणों का जो है महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, तो गामा किरणों का महत्वपूर्ण उपयोग है ये परमाणु की आंतरिक स्ट्रक्चर को जो है जानने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, और परमाणु के आंतरिक स्ट्रक्चर को जानने के साथ साथ इनका उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है, ठीक है। तो हमको जो है ये सारी चीज़ें भी समझ में आ गई, ये प्रश्न 2022 का था, ठीक है। अब जो है आगे जो है हम कुछ और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
क्या है वो। देखिए पहली बात ये है कि यदि जो है आपको तरंगों को जो है याद रखना है, उनके उनके जो है बढ़ते क्रम में जो है आप किस तरीके से याद करेंगे, जैसे आप देखिए राधा मैम इन लंदन यूज्ड एक्स्ट्रा गोल्ड। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, राधा और राधा से आप लगा लीजिए रेडियो, ठीक है रेडियो। उसके बाद में मैम से लगा लीजिए, मैम से लगा लीजिए माइक्रो, ठीक है। इसके बाद में ई से जो है हो जाएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। उसके बाद में एल से हो जाएगा क्या, लाइट यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम। उसके बाद में जो है यू से होगा यूवी अल्ट्रावायलेट, और एक्स से एक्सरे हो गया, और जी से हो गया गामा रे। अब जो है इनके जो है बारे में हमको जो है याद रखना है, इनकी जो है आवृत्ति के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, इनके जो है वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे, जैसा भी है, तो आपको ये जानकारियाँ जो है पहले याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ रेडियो इन्होंने खोजा, कैसे उपयोग करते हैं भाई, इनके हर किसी के बारे में एक जानकारी। पहली बात ये है कि इनका जो है वेवलेंथ कितना होता है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इनका जो है तरंग दैर्ध्य आपको याद रखना है, इनकी फ्रीक्वेंसी याद रखना है। इसके बाद में इसे किसने खोजा उसके बारे में जो है हमको जानकारी होनी चाहिए। इनको कैसे उत्पन्न किया जाता है इसके बारे में जो है जानकारी उत्पन्न रखनी चाहिए। इसके प्रभाव क्या है ये जानना है, और इसके साथ साथ जो है इनका उपयोग क्या है ये जानना है। तो आप जो है इन सब के बारे में जो है बात करेंगे, हर एक के बारे में आपको जो है ये जानकारियाँ हम उपलब्ध कराते जाएंगे अपने कम्युनिटी पोस्ट में। लेकिन आपको जो है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, हाँ विजिबल स्पेक्ट्रम, यूवी, एक्सरे, इन सब के बारे में जो है क्या क्या याद रखना है, उनका तरंग दैर्ध्य, उनकी आवृत्ति, उनका खोजकर्ता, उनको कैसे उत्पन्न किया जाता है, उनके गुणधर्म और उनका उपयोग, इन सारे विषयों पर आपको जो है अपनी जानकारी पुख्ता रखनी चाहिए, ताकि जो है आपकी परीक्षा में कैसे भी सवाल पूछे जाए आप उसका उपयोग दे सकें। अब अगली बात क्या है कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है यानी कि दृश्य प्रकाश है, यहाँ पर भी जो है आपको VIB GYOR, या अगर जो है सही क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर जो है Y, यहाँ पर G, यहाँ पर B, यहाँ पर I और यहाँ पर V। तो विग्योर जो है ये देखिए अवरक्त किरणों के बाद में जो है इंफ्रारेड, अवरक्त किरणों के बाद में लाल, और नीचे वॉयलेट यानी कि बैगनी किरणों के बाद में अल्ट्रावॉयलेट। इस तरीके से हम इसको सही क्रम में व्यवस्थित कर चुके हैं। अब यहाँ पर भी जो है आपको इनकी आवृत्ति और इनके तरंग दैर्ध्य का रेंज पता होना चाहिए, ताकि जो है हम इनका उपयोग कर सकें, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, इस प्रकार से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और अब हम अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, फिर से PYQ, फिर से जो है आपको परीक्षा में अगले पड़ाव पर जो है ध्यान अपना केंद्रित करना है। तो आप लगातार जो है अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहें, हमें बताएं कि आपको किन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप हमसे और सीखना चाहेंगे, और हम इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।